पटना के जगनपुर थाना स्थित रामदास पथ मीठापुर एरिया की रहने वाली तीन महिलाओं के साथ बाहुबली शिव और उनके गुर्गों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगा है। मामला पटना के जगनपुर थाने में हुआ दर्ज। मीठापुर बी एरिया की रहने वाली तीन महिलाओं ने पटना की जगनपुर थाने में FIR दर्ज करवाते हुए इलाके के चर्चित और बाहुबली शिव पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिव और उनके गुर्गों ने हमारे घर में घुसकर घर में मौजूद महिलाओं और पुरुष के साथ मारपीट की। इसके साथ साथ घर में मौजूद महिलाएं जब इस घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो शिव गोप और उनके गुर्गों ने घर में मौजूद तीनों महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। इस मामले में जगनपुर थाने में FIR दर्ज करवाते हुए महिलाओं ने इलाके के बाहुबली और चर्चित अपराधी शिव और उसके गुर्गों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप दर्ज करवाया है। उसके गुर्गों पर छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। खटाल का आप लोग जानते हैं, पटना में खटाल का कितना इंक्रोचमेंट हुआ है। खटाल के नाम पे पूरा रोक दिया था इन लोगों ने, दोनों तरफ का रास्ता बंद कर दिया। हमारा हमारा आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं रहा। उसके बाद फिर भी हम चुपचाप इन चीजों को देख रहे थे, पीछे की गली से आ जा रहे थे उन चीजों को लेके। अभी इन लोगों ने खटाल में मकान बनाना शुरू किया, आप चल के देख सकते हैं, सटा हुआ मकान लोगों ने। मैम शिव गोप ने, शिव गोप आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ये कुख्यात गुंडे रहे हैं, ठीक है। ये अभी बेलाउट है या सजाफ्ता है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देखिए मर्डर्स, बाकी कितने सारे चार्जेस होंगे इनके ऊपर, आप खुद रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं। आपको किस तरह से परेशान कर रहे हैं ये, परेशान कर रहे हैं। अभी पहले तो रास्ता रोका हुआ है, लैंड इंक्रोचमेंट अगर आप लोग इनकी नापी करवाए तो इनका एक्चुअल जमीन कितनी है वो निकल जाएगी, आप लोग आप खुद देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर जो घर बना रहे हैं उसका छज्जा पूरा सटा हुआ है, पानी जो गिराते हैं ख्याल तक नहीं रखते हैं कि मतलब आराम से गिराए। पूरा मेरे घर मेरा पूरा फ्लोरिंग खराब होते रहता है पूरा, आप चल के देख लोगे तो क्या हालत है। ये जो रास्ता बचा है अब आने जाने के लिए उसमें भी नाली निकाल रहे हैं, उसी रास्ते में बिना पूछे मेरे घर से पूरा अपना करकट और पूरा सामान उसी रास्ते, ताकि इनका आवागमन बंद हो जाए। और शुरू से ये जेल में थे ना, तभी मेरे पापा को फोन किया करते थे कि आप अपना घर बेच दीजिए, तभी से इनका है कि घर भेज दीजिए। अब ये पूरा रास्ता बंद कर देंगे तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं होगा बाहर आने जाने का, तो हमको इनका पूरा इरादा है हमको भगा के और हमारा घर ले लेने का, इनका पूरा इरादा पूरा यही है। उसमें लड़कियों से बदतमीजी जो ये कर सकते। आज सुबह ये आए, इनके चार लड़के आए, वो जो फ्लोर पटा रहे थे, हम लोग जो छत पे थे वो बोले अभी तो फ्लोर पटा रहे हैं तुम लोग को नहाएंगे। उसके बाद ये घर में घुसे, इन्होंने मारपीट की और ये सारे मारपीट की। ये मेरे सिस्टर है, ये देखिए मेरे भाई का पूरा यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद और इसके चढ़ के जिस फोन में रिकॉर्डेड था कि हाँ हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे मारपीट का, और हम लोग काफी पढ़े लिखे रिनाउंड लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जब रिकॉर्ड कर रहे थे इनका, तो ये इसके छाती पे चढ़ के चारों लड़कों ने फोन ले लिया और छीन के भाग गए। पटना से ब्यूरो प्लस की रिपोर्ट। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।